भाई साहब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टेंस मिसाइल से स्टेहल का सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग समझ चुके थे। ज्योति वो क्वेश्चन बनाया अब एनसीईआरटी वाला, कितने लोगों ने एनसीईआरटी वाला वो क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया, हाथ खड़ा कीजिए। आंसर आया कुछ क्या, वो डिस्कस कर लें, कर लें, डिस्कस कर लें या बन बना गया लो, सर। बड़ा आंसर तो बताना पड़ेगा ना। यस सर। चलो ठीक है, तो आंसर बताने के लिए तो मुझे बनाना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन लिखूंगा उखूंगा नहीं, टाइम पास होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं, और क्वेश्चन रीड करके यहाँ डाटा ले आता हूँ सामने। बस जब आप एनसीईआरटी पे पढ़ेंगे पेज नंबर 106 पे, तो वहां पे एक न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, पेज नंबर 106 पर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है। निशा बनाई थी ये क्वेश्चन कल या आज? यस सर। तो चलो आंसर मिलाओ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज है, इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट, एक डाटा आया क्या 80 मिनट, मतलब 80 मिनट तक ग्रो कराना है। ठीक है, आपको पता है 20 मिनट उसका जनरेशन टाइम है। देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शंस ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज डीएनए, डीएनए के बारे में पूछा है मॉलिक्यूल, और क्वेश्चन में और कहीं कुछ नहीं लिखा है, बस ई कोलाई लिखा है। ओके, ई कोलाई लिखा है, 80 मिनट लिखा है, और वो तुमसे पूछा क्या है, लाइट डीएनए कितना परसेंट और हाइब्रिड डीएनए कितना परसेंट, बस यही पूछा है तुमसे वो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर क्वेश्चन में वो कुछ नहीं बोलता है पेरेंटल डीएनए कैसा लें, मीडियम कैसा लें, तो आप किसको याद करोगे, जल्दी बोलो, आप किसको याद करोगे, डायरेक्ट आप याद करोगे मिसेल्सन्स और स्टेहल को। तो उनको याद करते हुए मैं ई कोलाई का पेरेंटल डीएनए, ये लिया मैंने पेरेंटल डीएनए, मैं ई कोलाई का पेरेंटल डीएनए कैसा ले लूं रिभा, जल्दी बोलो, हाइब्रिड पेरेंटल डीएनए हाइब्रिड, हैवी, हाँ हैवी, एच ई ए वी वाई, हैवी डीएनए मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद इसको बना लेते हैं एक बार हैवी डीएनए को, ये लीजिए दोनों ही स्टैंड उसका क्या है, N15 वाला है, N15 ले लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बोला है वो 80 मिनट का समय दीजिए, ठीक है लीजिए 20 मिनट समय दिया भाई मैंने, 20 मिनट बीतेगा तो क्या होगा वो भी हम देखते हैं, अगला 20 मिनट तो 40 मिनट हो जाएगा भाई, ओवरऑल क्या होगा देखते हैं, फिर अगला 20 मिनट तो 60 मिनट हो जाएगा ओवरऑल, देखते हैं क्या होगा, और फिर अगला 20 मिनट, अगला 20 मिनट अगले पेज पे चला जाएगा, ले लेंगे अगले पेज पे। ठीक है, 20 मिनट तो ओवरऑल 80 मिनट होगा। ठीक है, कुछ नहीं बोला मीडियम में क्या लें नहीं लें, तो किसको याद करना है, मिसेल्सन्स स्टेहल को, उन्होंने क्या लिया था, हर जनरेशन में मीडियम में क्या लिया था, एन क्या लिया था, N14, क्योंकि पेरेंटल डीएनए डेवलप करा लेने के बाद वो हर जनरेशन में N14 ही ले रहे थे, तो उन्हीं को याद करते हुए, क्योंकि ई कोलाई पे तो उन्हीं का एक्सपेरिमेंट था, करा दीजिए अब आप, अब क्या, अब तो सिंपल है। चलिए पहले 20 मिनट में क्या होगा, दोनों स्टैंड को खोलिए, चलिए भाई दोनों स्टैंड खुला, मीडियम में क्या है, N14, बना दीजिए N14, इसके भी सामने बना दीजिए N14, तो N14 और 15 का हाइब्रिड आएगा यहाँ पे, ये रहा भाई N14 और N15 का हाइब्रिड आ गया सामने, दो डीएनए मॉलिक्यूल बनके तैयार है, और ये दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल F1 डीएनए, मैं बार बार डीएनए नहीं लिखूंगा, बस F1 लिखूंगा। ठीक है, आपको देखने से पता चल रहा होगा ये दोनों ही डीएनए कैसा भाई, हाइब्रिड है दोनों ही, दोनों ही हाइब्रिड है, बस हो गया पहला जनरेशन का खेला खत्म। अगला 20 मिनट समय मिला, स्टैंड खुल जाएगा, चले भाई पहला डीएनए का ब्लू वाला इधर खुला, ब्लैक वाला इधर खुला, अगले स्टैंड का भी ब्लू वाला खुला और ब्लैक वाला खुला, मीडियम में N14 है, ले लीजिए भाई N14 बना दीजिए उसके सामने, N14 बना दीजिए,
लीजिए भाई, ये N14 है, क्योंकि मीडियम जैसा रहेगा वैसा ही बनेगा ना, नया स्टूडेंट तो वैसा ही बनता है ना, नया वाला मीडियम के अकॉर्डिंग N14 है। चले भाई N14, चले पहले पुराने वाले N14 को लिखिए, दो जगह होगा, ये रहा और ये रहा, ये पुराना वाला N14 है, पुराना वाला दो N15 भी लिख दीजिए, ये रहा N15 पुराना वाला। ठीक है भाई, चार हो गए दो से, तो रेप्लिकेशन में तो होता ही भाई है भाई, ये चारों का चारों क्या है भाई, F2DNA है भाई। चलो ठीक है भाई, F2DNA सबके सब, बढ़िया DNA है सबके सब, भूत नहीं है सब, इसलिए DNA नहीं लिख रहा हूँ मैं। चलो भाई पहला वाला कैसा है नवीन, जल्दी बोलो नवीन। पहला वाला हाइब्रिड है, हाइब्रिड। नेक्स्ट फिर लाइट है, नेक्स्ट हाइब्रिड, नेक्स्ट लाइट। चलिए भाई अगले 20 मिनट के बाद चारों डीएनए को खोल दीजिए, चलिए खोलते हैं आइए। चलिए पहला वाला खुलेगा, उसका ब्लू वाला इधर आया, ब्लैक वाला बगल में आया, दूसरा नंबर डीएनए का स्टैंड खोलिए, दोनों ब्लैक वाला सेपरेट हो गया, लो मैंने कर दिया सेपरेट। तीसरा वाला खोलिए, ब्लू वाला इधर आया, ब्लैक वाला बगल में आया, खुल गया स्टैंड। और लास्ट वाला भी खोलिए, खोलिए लास्ट वाला भी, ये ब्लैक वाला एक इधर और एक इधर बगल में। चलो भाई ठीक है, मीडियम N14 है, कुछ नहीं बोला तो मिशेलसन स्केल के अकॉर्डिंग तो N14 ही है मीडियम में, लाइट वाला मतलब की। चलो भाई सबके सामने N14 बना दो नया वाला स्टैंड, क्योंकि मीडियम कैसा है N14 है भाई, कुछ नहीं बोला तो N14 ही लेते हैं हम लोग, मिशेलसन स्केल के अकॉर्डिंग लगा दो N14 सब जगह, नया स्टैंड में, नए स्टैंड में हर जगह N14 लगाओ, N14। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, कोई बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट किया करो, बोर्ड में लेकिन आ जाता है, बोर्ड में आएगा तो आपको बनाना ही है, बोर्ड में आएगा तो 5 नंबर वाले में आएगा, बोर्ड में अगर इतना लंबा क्वेश्चन आता है, किसमें नीट में आता है, ऑब्वियसली बात आता है, प्रीवियस ईयर में देखिएगा आता है तो भाई लास्ट में अटेम्प्ट लीजिए, और क्या टाइम लगेगा नहीं तो। अच्छा नीट में अगर आता है ना तो पहला या दूसरा जनरेशन तक का पूछ लेता है, जिसमें टाइम कम लगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता है कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इजी होगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब भाई यहाँ पे चार था तो 4 से 8 डीएनए बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके सब कौन से डीएनए हैं, ज्योति F1 F2 F3 F4 F5 इन्फिनिटी, क्या F3 सबके सब F3 डीएनए हैं, तब 60 मिनट के बाद मिला है, 60 मिनट के बाद आपको 8 डीएनए मिलेगा। बच्चा बोल रहा सर टेस्ट में तो बहुत सारा इक्वल था, तो पहले बोल चुके हैं कैलकुलेशन एक ही को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए सबके बारे में निशा बताएगी फटाफट, पहला सर हाइब्रिड, नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट हाइब्रिड, नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट लाइट, बस। अब हैवी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मीडियम में N15 है नहीं ना, मीडियम में देखिए एक बार आप और कीजिए, आगे हाइब्रिड वाला कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हाइब्रिड बनाने के लिए एक वो रहेगा जो पेरेंटल वाला है, और मीडियम में उसका अगर अपोजिट लिया गया था आगे हाइब्रिड कांस्टेंट रहेगा। चलिए अगले 20 मिनट के बाद ये 8 डीएनए को खोलिए, 16 स्टैंड बनाए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, खोले सभी को। चलिए आइए अगले 20 मिनट के बाद देखिए सीन क्या रहेगा, पहले तो पहला वाला डीएनए खोला, उसका मैंने ब्लू वाला स्टैंड इधर बनाया, लीजिए ठीक है, पहला डीएनए का ब्लू ब्लैक था ना तो खुल गया। अगला 3 डीएनए यहाँ पे देख लीजिए, अगला 3 डीएनए लाइट है तो काला वाला ही होगा दोनों, ये लीजिए दूसरा नंबर डीएनए खुला, दोनों स्टैंड अलग हो गया,
तीसरा नंबर डीएनए खुला, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया। ओवरऑल अभी तक चार डीएनए खुल चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा, नहीं नहीं चौथा ये रहा। हाँ अब ओवरऑल चार डीएनए खुल चुके हैं। चलिए पांचवा नंबर डीएनए देखिए, यहाँ पे हाइब्रिड है तो उसका ब्लू वाला स्ट्रैंड खुला और ब्लैक वाला भी खुला, तब ना दोनों स्ट्रैंड अलग हुआ, तब ना रेप्लिकेशन होगा। चलिए अगले तीन लाइट वाले खोलिए। चलिए ये वाला खुला एक डीएनए, और एक डीएनए खोलिए, और एक डीएनए, तीन खुला कि नहीं जी, एक दो तीन, चलिए खुल गया। ओवरऑल यहाँ पे 16 स्टैंड होगा, नहीं विश्वास है तो गिन लीजिएगा आप, 16 स्टैंड है ओवरऑल, ठीक है। मीडियम में कैसा लिया है देख लीजिए, यहाँ पे मीडियम में कैसा है, N14 है, सबके सामने नया स्टैंड N14 बनाइए फटाफट। कितने लोगों का यहाँ तक आंसर मैच कर रहा है, हाथ खड़ा कीजिए फटाफट। चले लिखना पड़ेगा क्या बार बार N14 N15? आई थिंक नहीं लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। ब्लैक कलर वाला लीजिए, मैं कलर सिंबल दे देता हूँ, टाइम पास होगा नहीं तो मेरा। दिस इज फॉर N14 एंड दिस इज फॉर N15, ठीक है। अभी इससे पहले कौन से जनरेशन आए थे, F3, 80 मिनट के बाद F4 जनरेशन आ जाता है। टोटल यहाँ पे 16 डीएनए होगा, मैं आपको काउंट करा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 सभी के सभी F4 डीएनए है, सभी के सभी F4 डीएनए। कितने लोग कल वाला तीनों क्वेश्चन नोट्स में लिख लिए, हाथ खड़ा कीजिए सॉल्यूशन के साथ। नवीन कॉपी किताब लेके गया है क्या? हाँ सर, कॉपी बुक लेके आए हैं। कॉपी बुक लेके गए हैं ना, इससे पहले कभी जीवन में कॉपी किताब साथ में लेके चलते थे जब मेरे पास पढ़ने नहीं आए थे तो? सर बुक कॉपी हम लेके जाते हैं, सर कहीं भी जाते हैं। पढ़ते थे लेके जाते थे तो, जैसे अभी पढ़ रहे हैं? पढ़ते नहीं थे। अच्छा अच्छा, आदमी को तो हम पढ़ाई के ट्रैक पे ला दिए हैं, तुम लोग तो फिर भी CBSE वाला बच्चा हो जी। अच्छा अच्छा, बिहार बोर्ड वाला आता है ना भाई चराने वाला, उसको भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ही बात होता है, या तो बच्चा पढ़ लेता है नहीं तो भाग जाता है, नहीं तो पढ़िए लेगा नहीं तो भाग ही जाएगा, दो ही बात होता है मेरे पास। इंटरमीडिएट आदमी टिकता ही नहीं है, इंटरमीडिएट टिकता है ना बहुत परेशान होता है बेचारा, वो बहुत डेली टॉर्चर होता है, वो अपने आप में टॉर्चर होते रहता है। चलिए पहला नंबर बताएगा नवीन ही, बताओ पहला नंबर कौन है, हाइब्रिड लाइट या हैवी क्या? हाइब्रिड है सर। हाइब्रिड, नेक्स्ट बताते चलो खटाखट। इधर सब लाइट है सर, एक ब्लू वाला बस हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है, सब लाइट, 14 लाइट है, 2 हाइब्रिड। आंसर अभी नहीं आया है, अब आंसर आएगा। चलिए आपसे पूछा है क्या है क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, लाइट और हाइब्रिड का डेंसिटी पूछा है। तो डेंसिटी आप परसेंटेज से बता सकते हैं, आप बोलोगे सर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, भाई वो सब नहीं पूछा है, डेंसिटी का मतलब परसेंटेज वो पूछना चाह रहा है तुमसे, बोल कौन सा पूछेगा क्या, पूछेगा भी तो नहीं बताना, बोलना नहीं बताएंगे, ठीक है। डेंसिटी बताने के लिए हम बैठे हैं, परसेंटेज बता देंगे भले ही। चलो इसमें पहले तो क्या बताओ, टोटल डीएनए बताओ, उसके बाद मैं पूछूंगा किससे पूछूंगा वो मैं बता रहा हूँ। टोटल डीएनए बताने के बाद तुम बताना यहाँ पे लाइट डीएनए, देन बताना
हाइब्रिड डीएनए एंड देन बताना हैवी डीएनए, ठीक है? अतीक बताएगा सभी का आंसर। टोटल डीएनए कितना है? 16। लाइट डीएनए कितना है? 14। हाइब्रिड डीएनए कितना है? 2। हैवी डीएनए कितना है? 0। चलिए रिवा बताएगी लाइट डीएनए का परसेंटेज निकालने क्या करें? 14/16 × 100। हैवी डीएनए का 2/16 × 100। और ये हाइब्रिड था, नॉट हैवी, ये हाइब्रिड है। और यहाँ पे 0/16 × 100। चटकापट के घर पे कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आंसर है। सर आ गया है। अब जो भी है आप देख लीजिएगा यार, क्या आंसर बताओ, लिख ही देते हैं, लेकिन सही बताना, नहीं तो फिर देख लो ऑन रिकॉर्ड तुम्हारा भी देती होगा। 87.5% और इसका आएगा तब 12.5%। यही आंसर है आपका, यही दोनों पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, ठीक है? लाइट डीएनए का डेंसिटी जो पूछोगे आप परसेंटेज में बता देना ये, और हाइब्रिड डीएनए का परसेंटेज में बता देना। यही आंसर है, एनसीईआरटी का सवाल था ये। 20 मिनट लग गया सॉल्व करने में, 15 मिनट लग गया। अब आप सोचो अगर आप नीट में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगे तो आपका क्या हाल होगा। खैर ये बात, ये क्वेश्चन अगर मैं बनाता खुद से तो मुझे 5 मिनट लगता, वो तो मैं आपको समझाने के लिए इतना तामझाम लेके बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं भी बनाता तो मुझे 5 मिनट लगता। और मैं एक क्वेश्चन में 5 मिनट दूंगा, मैं पागल तो हूँ नहीं एक क्वेश्चन में 5 मिनट दूंगा नीट में, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए बेटर ये होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? चलिए ये सॉल्यूशन था, मैंने सॉल्यूशन बता दिया, आप इस सॉल्यूशन का क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका लिए अगले का लीजिए, फाइनल आंसर यहाँ पे ले लिए। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, तुरंत जनरेट करेंगे अगला मीटिंग, ये रिकॉर्डिंग तुरंत सेव हो जाएगा। अगले मीटिंग में मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।